काट रहे हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह का पेड़। वो देखिए हमारे चाचा जी चढ़े हुए और पेड़ काट रहे हैं और हम भी मेहनत करने जा रहे हैं बेटी जी वो मोटा मोटा लकड़ी को। ठीक है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए फ्रेंड्स किस तरह का पेड़ काटा जा रहा है, और इधर भी है, कालीचा भी है, पप्पा जी भी है, देख लीजिए सब अपने अपने काम में व्यस्त है। और हम लोग वो वाला डूटू है जो उसको इधर टान के लाया है, वो डूटू बहुत ही भारी है। ठीक है, वहाँ उठाएगा तो मैं है। फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आज हम लोग यहाँ आलू जो है वो उसका पौधा हो चुका है और फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा होने वाला जा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहे हमारे ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ हम लोग का आलू है और आलू देखिए किस तरह का पौधा हो चुका है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही हो गया है हमारा बगान में फ्रेंड्स। ठीक है, और देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा हो गया, और उसे हमने कल ही इसको ठीक कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबको मैंने बना दिया और आज ये को मुझे बनाना है। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बनाऊंगा। और फ्रेंड्स देख लीजिए हम लोग यहाँ धान सूखा है, आप लोग भी इसी तरह क्या धान सुखाते हैं कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और हम आपको दिखाते हैं आगे भी। ठीक है फ्रेंड्स, इधर जो हमारा ये सकीम का बगान है वो वाला भी हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं किस तरह का ये हमारा हरियाली हो गया है बगान में और किस तरह का दिख रहा है, देख लीजिए हमारे सकीम का। ये सकीम लगाए हैं पूरा इधर से इधर, और देख लीजिए उधर कल ही पटाया गया है, उधर देख सकते हैं कल ही पटाया गया है और पटा के उसे गीला करके कुछ लगाए हैं वहाँ शायद। और उधर देख लीजिए, मैं तो आपको दिखाया था बगान में फ्रेंड्स, तो देख लीजिए आप लोग भी इसी तरह खेती कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी सब्जियों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ख़रीदने में भी बहुत ही असुविधा हो पा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा रेट हो जाने के कारण हम लोग खरीद नहीं पा रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स किस तरह का लग रहा है, हम आगे भी दिखाते हैं फ्रेंड्स, बने रहिए ब्लॉग में हमारे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए किस तरह हम लोग ने इधर भी बैंगन लगाया है और इधर भी बैंगन ही है शायद, हमें पता नहीं है, सकीम लगा के चले गए हैं। तो इधर देखिए पूरा हम लोग लगाए हैं किस तरह का है। ठीक है, तो हम देख लीजिए ये वाला पौधा को जानते हैं ना फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं ये पौधा को, देख लीजिए क्लोज से आपको दिखाते हैं ये पौधा को क्या बोलते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में फ्रेंड्स। ठीक है, मैं तो झुनझुना बोलता हूँ क्योंकि इसमें झुनझुना बस्ती है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग क्या बोलते होंगे बताइएगा कमेंट में ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ और आगे बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग बताइएगा, और सब्जी इतना ज़्यादा अच्छी घनी हो गई है कि क्या बताओ फ्रेंड्स, और इधर भी देख लीजिए। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ओके, देख लीजिए हमें भी ये आलू को पूरा ठीक करना है, और अभी हम ठीक नहीं किए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस आलू में हमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगे है फ्रेंड्स, इस वजह से हम अभी तक किए नहीं है। तो बने रहे फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं और एक बगान है हमारा, वहाँ ले चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देख लीजिए हम लोग ने ये यहाँ भी आलू लगाया है और आलू को पटा रहे हैं, पर चुरु चुरु पानी आ रही है फ्रेंड्स, और देख लीजिए हमारा चुरकुट बहुत ही मेहनती बच्चा है, देख लीजिए पानी कैसे पटा रहा है, देख लीजिए किस तरह का ये पटा रहा है पानी, पानी पटाने तो सकता नहीं है, देख लीजिए छोटा छोटा पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पाइप का पानी है। और देख लीजिए हमारे चाचा लोग उधर पेड़ काट रहे हैं, पापा जी भी है, देख लीजिए पेड़ काट रहे हैं और हम भी चल रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको दिखाते हैं किस तरह का, वो देखिए हमारे चाचा जी चढ़े हुए और पेड़ काट रहे हैं और हम भी पेड़ मेहनत करने जा रहे हैं, देख लीजिए वो मोटा मोटा लकड़ी को। ठीक है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए फ्रेंड्स किस तरह का पेड़ काटा जा रहा है, और इधर भी है, कालीचा भी है, पप्पा जी भी है, देख लीजिए सब अपने अपने काम में व्यस्त है। और हम लोग वो वाला डूटू है जो उसको इधर टान के लाना है, वो डूटू बहुत ही भारी है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग डूटू को लाने के लिए हम चले गए हैं पेड़ के अंदर, और देख लीजिए किस तरह डूटू ला रहे हैं। ठीक है, तो बने रहे फ्रेंड्स, देख लीजिए हम चले गए हैं डूटू लाने के लिए, और देख लीजिए कालीचा और हमारे पापा जी दोनों जन इधर है, और हमको उधर कर दिया गया है, बोल रहे हैं कि जाओ उधर से तुम धक्के लगाओ क्योंकि पेड़ में फंस गया है, और हम उठा के जा रहे हैं, देख लीजिए कितना ताकत लगा रहा है, बहुत भारी है फ्रेंड्स क्योंकि कच्चा है, पेड़ भी बहुत ज़्यादा ही भारी लग रहा है फ्रेंड, इस वजह से उठा भी नहीं पा रहे हैं, और उठा रहे हैं तो इतना ज़्यादा ही भारी है कि क्या बोले फ्रेंड्स, इसलिए हम ऊपर चढ़ के एक बार देखते हैं, और ऊपर चढ़ने के बाद जितना भी भारी लगेगा वो हम मैनेज कर लेंगे। और देख लीजिए मुझे थोड़ा सा डांट भी मिल रहा है क्योंकि हम ऊपर चढ़ के ही कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग
इस तरह तरह काम करते हैं कि नहीं करते हैं। देख लीजिए हमारे चाचा भी उधर पेड़ काट लिए हैं और हमें उसे भी हटाना है। और इधर देख लीजिए पहले हम लोग को इधर हटाना है डूटू, बहुत भारी होने के कारण हम लोग से हट भी नहीं रहा है। तो कलीचा बोल रहे हैं कि उधर कर लो, चलो ठीक है हम उधर कर लेते हैं। और देख लीजिए बहुत भारी हो रहा है फ्रेंड। इसी तरह हम लोग पेड़ को काट कर अपने मोटे मोटे डूटू को इधर हटा देते हैं और काट के हम लोग अगर इसका खूंटा बनाना है तो खूंटा बना देते हैं। और तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, पर इतना भारी है और लंबा के होने के कारण बहुत ज़्यादा ही भारी हो जाता है। और इसे सकने का तो बात ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होने के कारण बहुत ही, देख रहे हैं कितने लंबा है, देख लीजिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कितना लंबा है फ्रेंड्स, इतना लंबा डूटू है, देख रहे हैं। इतना लंबा को पकड़ना और उठा के ले जाना बहुत ही अचंभित का बात है फ्रेंड्स, क्योंकि इतना लंबा को एडजस्ट करना और इसे पकड़ के ले जाना बहुत ही दिक्कत होता है फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, खाएगा झाड़ी से कैसे उतर रहे हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। अब बहुत ही मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आके मुझे आ गया, बहुत मज़ा है। देख लीजिए इधर, और कट जाने की वजह से सब अब गिर गया है और उधर ले जा रहे हैं हम लोग, ठीक है आपको दिखाते हैं किधर है। देख लीजिए इधर रख दे रहे हैं हम लोग, इधर रख दे रहे हैं और इधर ही पे ये जगह है इसलिए, ठीक है। यहाँ भी गेहूँ सुखाएं फ्रेंड्स, गेहूँ बोल रहे हैं धान, ठीक है। और धान सुखा देने की वजह से ये पूरा हार्ड हो जाएगा, उसके बाद इसका चावल बनाया जाएगा, बहुत मज़ा वाला। देख लीजिए चिरकुट को किस तरह का कर रहा है, ये पानी पटा ये रहा है, अब पटाते हैं। अभी देखिए खाली ऊपर ऊपर से छिड़का कर दे रहा है, इस तरह आप लोग करते हैं यानी फ्रेंड्स बताएगा आलू को, ठीक है। और बहुत ही पानी कम कम आ रहा है इसलिए कि हमारा सप्लाई पानी है, ये सप्लाई पानी से ही हम लोग पटा दे रहे हैं इसको। और ये 11 बजे आज बंद हो जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी बंद हो जाता है और आता है 3 बजे बाद। और उधर पेड़ उड़ काट दिए हैं और देख लीजिए हमारा कालीचा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइए कमेंट में। और हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह हम लाते रहेंगे नया ब्लॉग, तो अभी चलते हैं हम फ्रेंड्स क्योंकि हमें भी जाना है काम में। और हमें तो इसी तरह एक नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।